हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड क्लास 11th लाजमी पंजाबी और 14वीं पंजाबी दे प्रश्न पत्र दी रूपरेखा। स्टूडेंट्स, जो आपके बाई मंथली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी अगस्त में, ये उनके जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश का पेपर भी बता दिया है और फिजिकल का एजुकेशन का भी बता दिया है, और बाकी बच्चों के जो भी टेलीग्राम पर रिक्वेस्ट आ रही है, मैं धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपके सारे सैम्पल पेपर को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो और भी कोई आपको सैम्पल पेपर या स्ट्रक्चर क्वेश्चन पेपर का पता करना है तो आप मुझे जो है वीडियो में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन पेपर को जो है आप तक पहुँचाने की। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पंजाबी के पेपर, दोनों ही पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा इसका सिलेबस और स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट बच्चों, आप देख सकते हो कि 2022-23 जमात 11वीं सबसे पहले 14वीं पंजाबी है प्रश्न पत्र दी रूपरेखा। तो आप देख सकते हो आपका पेपर जो है 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न करने आपको जरूरी होंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और हाँ, 2 नंबर आपकी लिखाई के हैं, 40 में से 2 नंबर आपकी लिखाई के हैं। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 2 भाग होंगे, ठीक है, और उसमें से आपको जो है सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पेपर का जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। फर्स्ट आपको ये दे रखा है सुंदर लिखाई के 2 मार्क्स, उसके बाद वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आपके 2-2 मार्क्स के, 8 टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1 या 2 शब्द वाले पहले प्रश्न होंगे, उसके बाद जो मतलब बहुचोणवे प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं ना, ठीक है वाले, और इस तरीके से बाकी सही गलत पहचानने वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ब्लैंक्स, मतलब ये सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे आपके, ये 16 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कविता का टोटा दिया होगा, उसका प्रसंग सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। इसी तरीके से कविता का केंद्रीय भाव लिखना है, वो आपका जो आएगा 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कविता का टोटा था उसमें प्रसंग और व्याख्या 2 मार्क्स और 4 मार्क्स, टोटल मिला के 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं 5 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, और लास्ट पंजाबी भाषा नाल संबंधित पूछे गए 3 प्रश्न विचों किसी एक प्रश्न दे उत्तर लिखित ली किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है इस सब्जेक्ट का जो है आपका पंजाबी, जिनके पास इलेक्टिव पंजाबी है उनका सिलेबस आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लाजमी पंजाबी। तो ये है आपके लाजमी पंजाबी का स्ट्रक्चर, 2022-23 जमात 11वीं लाजमी पंजाबी प्रश्न पत्र रूपरेखा। आपका भी पेपर जो है 40 मार्क्स का आएगा, 40 नंबर का। प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न जरूरी होंगे, 2 अंक लिखाई वाले, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में फर्स्ट पार्ट जो उड़ा एड़ा एड़ी ससा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न पत्र दी रूपरेखा में सबसे पहले आपका 2 मार्क्स तो लिखाई की हो गई, उसके बाद ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट में आपके जो है फर्स्ट है 1 या 2 शब्द वाले उत्तर, प्रश्न उत्तर बहु चोणवे वाले मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसके बाद जो है आपको सही गलत उसमें से पहचानना होगा, उसके बाद खाली थावा परो। ठीक है, ये आपके 2-2 मार्क्स के 8 आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 जो होगा लोकगीत नाल संबंधित होगा प्रश्न, विचों 2-2 उत्तर देने दे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 विचों किसे एक जो है आपका कथा दा सार लिखण लई, ठीक है, जो आपके सिलेबस में होगा उसमें से सार आएगा 5 नंबर का। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसी घटना जा मामले बारे किसे अखबार दे संबंध दकनु प्रपत्र, आपको पत्र लिखाया होगा या आपको सिलेबस में बताया होगा पत्र लिखण आएगा, जो कि आपका टोटल 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, दिते गए 3 विचों किसे एक उत्तर पैरा रचना करनी होगी, आपको आपको 3 आएंगे उसमें से एक की पैरा रचना करनी होगी, वो 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।